मांझी जी के बयानों को आप राजनीति में अगर एक तरफा विश्लेषण करके छोड़ देते हैं तो आपसे बहुत बड़ी गलती हो सकती है। हमने कुछ दिनों पहले ही मांझी जी के विभिन्न बयानों पर जो सरकार नई बनी है चर्चा करने की कोशिश की थी। इसमें हमने मुख्य अतिथि रखा था रंजन सिंह जी को, जो एक शिक्षाविद भी हैं और हम पार्टी में शिक्षा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। इनसे हमने पिछली बार सवाल पूछा था कि आप अच्छा बोल लेते हैं, रफू करते हैं कि नहीं। इन्होंने कहा था कि नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे नेता बहुत सजा हुआ बयान देते हैं। इस बार जो बयान दिया है वो सुना है आपने? हाँ सुना था मैंने, तो आपसे बाद में बताएंगे, पहले उधर बतियालते हैं। इस बार मांझी जी ने ये कहा है कि नीतीश कुमार जी अगर ये कहते हैं कि तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाना है या बिहार की कुर्सी तक पहुंचाना है तो ये उनकी निजी राय हो सकती है, महागठबंधन की ये राय नहीं है। कम से कम मेरी राय तो ये नहीं है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनी है महागठबंधन में, इसलिए हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। हाँ, तेजस्वी यादव अच्छे नेता हैं, नीतीश कुमार सर्वे सर्वा है महागठबंधन के, इसलिए इस पर विवाद नहीं है, लेकिन कोऑर्डिनेशन कमेटी तो बननी ही चाहिए। एक बात बताइए कि क्या आप कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने के लिए ये बात बोलते हैं मांझी जी, या सच में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना चाहते? देखिए, हम बहुत पहले से कहते आ रहे हैं कि हमारे संरक्षक महोदय माननीय जितेंद्र मांझी जी हमेशा ये बोलते आए कि हम न्यूट्रल पॉलिटिक्स करते हैं, मतलब ना महागठबंधन ना एनडीए में, मतलब जहाँ सच्चाई होगी वहाँ पे हम अपनी बात रखेंगे, चाहे भाजपा ही। और बखूबी हम लोग ये बात को उठाते आए हैं। आप देखें, जब से हमारी पार्टी का निर्माण हुआ है वहाँ से लेके अभी तक, जो भी बातें अगर आती हैं, चाहे वो हमारे पक्ष की हो या विपक्ष की हो, अगर उनकी बातें सही हो तो हम वहाँ पे एक बार जरूर उन बातों को रखने का प्रयास करते हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी तो होना ही चाहिए, और ये इसमें इफ बट नहीं होना चाहिए। अच्छा, ठीक है ठीक है, कोऑर्डिनेशन कमेटी होना ही चाहिए, इसमें कोई इफ बट नहीं है। कितने साल से मांग कर रहे हैं आप ये? देखिए, इस बीच कितना बार इधर उधर कभी करना पड़ गया? बहुत सारा मांग ऐसा होता है जहाँ पे आपको अपनी बात को रखनी है। 18 से मैं सुनता आ रहा हूँ कि मांझी जी कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग कर रहे हैं, एनडीए में भी किए बेचारे, महागठबंधन में किए, कोई सुन नहीं रहा उनकी बात। देखिए, बात ये है ना कि सुनना तो पड़ेगा ही ना, और इसके साथ साथ हम एक चीज और ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे, जितने भी बचे हुए जो पार्टीज हैं उनको भी इस पे सोचना चाहिए। महागठबंधन किसी एक दो पार्टी का नहीं है, यहाँ 7 पार्टियां शामिल है, तो कोऑर्डिनेशन कमेटी में आप इस बात को समझिए कि 7ों का मतलब वहां पे इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। 4-10 विधायक से तो आप नहीं साबित कर सकते हैं, ये तो जिसके पास ज्यादा वोट बैंक है, जिसके पास ज्यादा विधायक है वही ना तय करेगा। यहाँ तो एक मतलब आप कह सकते हैं, कितना बार आपने देखा है कि यहाँ एक सीट पर मुख्यमंत्री तक लोग बन जाता है। बिल्कुल, हमारा तो यहाँ 4-4 सीट है, तो ये चीज ये बातें नहीं है। हमारा जो स्ट्रेंथ है, जो ये लोग जीत पाते हैं, तो हमारा जो एक इतना बड़ा हमारा वोट बैंक है उसके कारण से वो जीत रहे हैं, जो भी जीतते आए हैं, तो ये आप इस चीज से इनकार नहीं कर सकते हैं। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने चाहिए कि नहीं? देखिए, ये बातें तो हम लोग के लिए कहानी बहुत मतलब छोटी चीज़ें हो जाएंगी। ये जो हमारे माननीय संरक्षक महोदय और राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी जो इस पे सोचेंगे, और जो हमारे महागठबंधन के लोग हैं उनको सोचना चाहिए। ये एक एक कॉमन सी बात है कि अगर आप एक व्यक्ति विशेष नहीं है, बात जब महागठबंधन की हो रही है तो गठबंधन में सारे लोग हैं। इतने सारा विधायक है राजद के पास, राजद आपके लिए या महागठबंधन के लिए लगातार कुर्बानियां भी दे रही हैं। दो मंत्रियों को अपने पाले से उन्होंने हटाया है, फिर एक सीट जो मुकामा की थी जिस पर विवाद था, उस सीट पर भी अंतिम समय तक देखिए फैसला नहीं लिया। मांझी जी आप ही ने कहा था कि मांझी जी ने ही अंततः वो घोषणा की। तो राजद तो अपने तरफ से सारे फैसले महागठबंधन के हक में कर रही है, तो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की बात में कहां संदेह हो रहा है? संदेह यहां हो रहा है कि आप जब बातें कर रहे हैं महागठबंधन की, तो जो घोषणा होनी चाहिए वो महागठबंधन के शीर्ष नेताओं के सकुशल नेतृत्व में घोषणा होनी चाहिए, कि एक इंडिविजुअल एक आदमी का घोषणा, ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संदेहास्पद लगता है। देखिए, जो चर्चा हो रही है, हालांकि ये वेग चर्चा भी हो सकती है, लेकिन एक्सप्लेनेशन तो करना पड़ेगा आपको। चर्चा ये हो रही है कि मांझी जी को नहीं बुलाया गया है चुनाव प्रचार में मुकामा में,
इसलिए वो नाराज है और ये सब बात नहीं 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 ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। पार्टी में वो बजाबते आया था क्योंकि स्वास्थ्य कारणों से थोड़ा माझी जी क्यों नहीं गए वहाँ, थोड़ी स्वास्थ्य कारणों से थोड़ा वो भी परेशान थे बीच में, इस कारण से वो नहीं जा पाए। लेकिन उन्होंने अपना संदेश दिया है क्लियर, बार बार वो बेवाकी से आके बोलते रहे कि हमारे दोनों महागठबंधन के दोनों प्रत्याशी जो है वो अभूतपूर्व जीत हासिल करेंगे। और साथ में आपने देखा होगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री के मंत्री हमारे डॉक्टर संतोष कुमार सुमन साहब जी गए हैं और पूरी हमारी हमारे कार्यकर्ता की टीम, पदाधिकारियों की टीम जाके और लगभग वहाँ पे पूरे मुकामा में हमने लोगों को एकगुट करने का प्रयास किया है और अपने पाले का पूरा वोट जो है वो हम लोग दिलवाने का प्रयास की। अगर वीडियो पसंद आई अरुआ बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386